ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो का फर्दर पार्ट, यानी कि डाइवोर्स ना लेना चाहिए, इसके फर्दर पार्ट, यानी कि इसके कुछ फर्दर कंसिक्वेंसेज, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे कि आपकी जो मनोभावना है ना कि डाइवोर्स वो निकल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको वो बता दूँ जो पिछली वीडियो का रिस्पॉन्स था। कुछ लोगों को वीडियो पसंद आई, ठीक है, ओके, उन्हें समझ में भी आ गई कि समझदारी किस चीज़ में है, लेकिन कुछ गधों को और इसके फीमेल वर्जन को, समझ रहे हो, इसके फीमेल वर्जन को समझ में नहीं आई। बोलते कि क्यों नहीं लेना चाहिए डाइवोर्स। अरे तुम इतना डाइवोर्स लेने वाले बन रहे हो, ठीक है, तो अगर तुम इतने डाइवोर्स लेने वाले बन रहे हो तो आप डाइवोर्स लो ना जाके, क्यों है वीडियो देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो। और हालांकि वीडियो डाइवोर्स ना लेने के बारे में, तुम तो वो देखो ना कि वीडियो की डाइवोर्स कैसे लिया जाए, डाइवोर्स लेने के टोटके, सबसे बेस्ट ग्राउंड डाइवोर्स का कौन सा है, तुम वो देखो ना। तुम ये क्यों देख रहे हो डाइवोर्स ना लेना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये वीडियो उनके लिए जो बहकाए में आ जाते हैं किसी के, यानी कि थर्ड पार्टी के बहकाए में आ जाते हैं। छोटी मोटी लड़ाई हुई, किसी थर्ड पार्टी ने बोल दी तेरी बीवी ऐसी है वगैरह वगैरह, तेरा हस्बैंड ऐसा, डाइवोर्स ले ले, या फिर किसी वकील ने बोल दिया कि तेरा मिनटों में डाइवोर्स करा देता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, ओके। तो देखो ये सब र्यूमर्स हैं, ओके, इनमें बिल्कुल ना बढ़ो। अब रियलिटी को समझो, रियलिटी क्या है, देश के कानून को समझो, लीगल लॉ क्या है, फैमिली लॉ क्या कहता है उसको समझो, ठीक है, दिमाग से काम लो, ओके। अब डाइवोर्स ले लो, मेंटेनेंस देते रहो। पिछली वीडियो में यही था कि भाई डाइवोर्स ले लो फिर मेंटेनेंस देते रहो, जो चीज़ है नहीं उसके लिए आप मेंटेनेंस दे रहे हो, ओके। कुछ लोगों को तो आगे समझ में, अब कुछ लोगों को जो थोड़ा बहुत डाउट था इसमें क्लियर कर देंगे। तो देखो पिछली वीडियो में था डाइवोर्स तक, यानी कि मेंटेनेंस तक, ठीक है, मेंटेनेंस लग गया, ठीक है, खर्चा हो रहा, चलो खर्चा भी देख लेंगे। फिर क्या होता है, सपोज किसी ने सेक्शन 24 लगा दिया, यानी कि जो केस का खर्चा है वो पति से लो, ओके। ज़्यादातर मोस्टली केस में क्या है, वाइफ लगाती है, ठीक है। अब केस डाइवोर्स भी हो गया, मेंटेनेंस भी लग गया, केस करने का खर्चा भी तुमसे लिया जा रहा है, वाह भी वाह, मतलब तुमसे ही सब कुछ लिया जा रहा है, डाइवोर्स भी ना, बीवी रही, पैसे भी देने पड़ रहे हैं, ठीक है, जो केस चल रहा है उसका भी खर्चा देना पड़ रहा है। अगर उसने सेक्शन 24 लगा दी, यानी कि उसको किसी सातिर वकील ने ये सलाह दे दी, 24 गया काम, ठीक है, यानी जब तक डाइवोर्स ना हो जाता तब तक खर्चा, जो केस का खर्चा है आने जाने का, उसका वो भी आपसे ही मिल रहा है, यानी कि वो क्लेम कर सकती है, यानी कि यू कैन नॉट डिनाई, आप मना नहीं कर सकते, ओके। और होता भी है मोस्टली केसों में, ठीक है। फिर आता है कि सपोज जो चाइल्ड है उनके लिए एप्लीकेशन लगा दी, चाइल्ड कस्टडी के लिए एप्लीकेशन लगा दी, ठीक है, फिर उनका भी मेंटेनेंस मांग लिया, यानी कि एक तो अपना मांग लिया, ठीक है, अपना मांग लिया, कुछ बच्चे हैं उनका भी मांग लिया, फिर क्या कर लोगे, यानी कि ज़िंदगी खराब। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब कुछ लोग कहते हैं हम अपील डाल देंगे, ठीक है भाई तुम्हारा डाइवोर्स हो गया, तुमने अपील डाल दी, ठीक है, सपोज वाइफ ने अपील डाल दी और वाइफ को डाइवोर्स नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था, आप जीत गए, आपको किसी ने जिता दिया, लेकिन अगली पार्टी के पास यानी कि वाइफ के पास अपील डालने के लिए ऑप्शन है, वो अपील डाल सकती है, 90 दिन का टाइम है उसके पास, ठीक है, वो अपील डाल सकती है। अगली अपीलेट कोर्ट ने जो आपका जो डाइवोर्स हुआ था उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर क्या कर लोगे आप, ये तो होगी ना टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। और जितना ईजी लगता है ना आपको ये डाइवोर्स इतनी जल्दी हो जाता है, नहीं होता इतनी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, सपोज शादी आपने खुद ने की, अपनी मर्जी से की, ठीक है, और डाइवोर्स कौन दिला रहा है, थर्ड पार्टी, यानी कोर्ट आपको डाइवोर्स दिलवाएगी, वाह भाई वाह, मतलब शादी तुम्हारी, लाइफ तुम्हारी, पचड़े तुम्हारे, ठीक है, डाइवोर्स कौन दिलवा रहा है, कोर्ट, ठीक है। अब कोर्ट में कितना टाइम लगे भगवान जाने, कितना टाइम लगे कोई पता नहीं, ठीक है, वो तो मैटर के ऊपर डिपेंड करता है कितने केस उस कोर्ट में पेंडिंग है, ओके। और कोर्ट खुद सोचती है कि यार सब फैमिली में ना छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं, तभी जो ये प्रोविजन है ना मेंटेनेंस का, तभी ये बनाया है कि भाई हस्बैंड डर के मारे डाइवोर्स ना ले, ठीक है। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आई वो बात, अब मैं कुछ उन लोगों को क्लियर कर देता हूँ। तो देखो मैंने आपको बोला था कि कोर्ट में जाके डाइवोर्स ना लो, ठीक है, अब मैंने ये नहीं कहा कि भाई एक साथ रहो, ठीक है, बेशक तुम अपने घर में अलग अलग कमरे में सो, डजेंट मैटर, बट आप कोर्ट में मत जाओ डाइवोर्स लेने के लिए, ठीक है। बेशक आप अपने घर में एक दूसरे को देखो मत, कुछ भी करो, जो भी करना है आपने, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, वो होता भी होगा, अगर किसी को पसंद नहीं करता तो वो ऑब्वियसली ऐसा नहीं करता, एक साथ नहीं रहते वो, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया था कि कोर्ट में जाके आप डाइवोर्स ना लो, ठीक है, जैसे रिलेशन चल रहे हैं, ठीक है, अगर आपके सुधर सकते हैं तो सुधारो, अदरवाइज आप कोर्ट में डाइवोर्स के लिए ना जाओ, ठीक है। बात थी इतनी, लेकिन कुछ गधों को और इसके फीमेल वर्जन को समझ नहीं आई बातें, ठीक है। तो जिनको आ गई तो ठीक है, अब जिनको नहीं आई, अब भाई भगवान जाने, ओके बाय।